नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल edu.com में। ओके, तो थंबनेल और टाइटल लेके आपको पता चल ही गया है कि आज की जो हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यस दोस्तों, आज हम बात करेंगे आफ्टर 12th कॉमर्स हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रोफेशन कोर्स है, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। डिटेल मीन्स ऊपर देख लेंगे कि एक्चुअली क्या कोर्स है। एंड डिटेल जानकारी जाने के आप मुझे कमेंट सेशन करके बोल दीजिए कि आपको इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज के ऊपर, इस कोर्स के ऊपर आपको इन डिटेल जानना है, तो मैं फटाफट उसकी वीडियो बना दूंगा, या फिर हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप भी डायरेक्ट आप जाके आप मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डायरेक्ट आप मुझे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये सब बात साइड में रखकर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। ओके, तो फर्स्ट हम लोग फाइव चीज देखेंगे इसके ऊपर कि कौन से 12th बाद कोर्स जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, स्पेशली सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होते, टॉप फाइव ही लेके आया हूँ। ओके, बाकी अदर बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें आप अच्छा करियर कर सकते हो। एंड ऐसे कोई भी कोर्स है जिसमें कोई करियर नहीं है, हर एक कोर्स ऐसा है जिसके नाम आप अपना करियर बना सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं, होटल मैनेजमेंट, टीचिंग एंड सब में करियर है। ओके, बट आज की जो फाइव लेके आए सबसे बेस्ट है कॉमर्स में, मोस्ट ऑफ द प्रेफर भी करते हैं, सबसे परफेक्ट प्रोफेशनल कोर्स है। तो वीडियो के एंड बने रही एंड हर एक चीज अच्छे समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कोर्स में क्या क्या होता है। स्टार्ट कर द फर्स्ट कोर्स है बीकॉम। यस, सुनने में बड़ा इजी लगता है, मीन काफी आसान लगता है, बहुत ही लोग करते हैं बीकॉम। ओके, 90% स्टूडेंट बीकॉम ही करते हैं। ओके, बीकॉम में होता क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क, बीकॉम में होता क्या है? ओके, बीकॉम एक्चुअली नॉर्मल कोर्स है, एक डिग्री है। ओके, तीन साल की डिग्री रहती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, ये तीन ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है, एक नॉर्मल डिग्री होती है। इस डिग्री मिलने के बाद आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो, चाहे वो टीचिंग हो, सीएस हो, सीए हो, आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो, ऑल फील्ड आपके लिए ओपन हो जाती है। एंड बीकॉम करने सबसे बड़ा फायदा बताऊं कि यहाँ पर आपको सब सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, अकाउंट्स की भी, मैथ्स की भी, कॉमर्स की भी, एडवर्टाइजिंग की, मैनेजमेंट की, सबकी नॉलेज होगी, इकोनॉमिक्स तक की आपको नॉलेज होती है। ओके, कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे बीबीए हो गया, बैफ हो गया, इसमें आपको अकाउंटिंग नॉलेज ही होगी, एक बिजनेस की नॉलेज होगी। ओके, बीबीए के अंदर बिजनेस, अकाउंटिंग, बैफ के अंदर क्या, सिर्फ अकाउंटिंग नॉलेज होगी, अदर सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा नहीं मिलती इसके अंदर। ओके, बट आप बीकॉम ले रहे हो तो आपको सब चीज की, सब फील्ड की नॉलेज होती थी, उसमें आप स्पेशलाइज हर एक फील्ड में जाकर आप अपना काम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। और अभी भी मैं भी खुद बीकॉम कर रहा हूँ, बीकॉम करने के बाद एमकॉम, देन मैं आगे प्रोफेसर का कोर्स कर लूंगा। कोर्स इन द सेंस बस सेट नेट की एग्जाम देनी है। और अगर इसके बाद आपको जानने का है कि आगे टीचिंग फील्ड में, कॉमर्स में लेक्चर कैसा बनना है या फिर टीचर कैसे बनना है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको एक नई वीडियो बना लूंगा उसके लिए कि इन डिटेल कि कैसे बनना है, आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, आपकी क्या स्किल चाहिए, तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। सेकंड पॉइंट है हमारा बीकॉम ऑनर्स में। ठीक है, बीकॉम और बीकॉम में से बहुत ज्यादा फर्क है। बीकॉम में से एक नॉर्मल डिग्री थी जिसमें सब कोर्स आते हैं, सब मिक्स रहते हैं। बीकॉम ऑनर्स में हर एक चीज का स्पेशलाइजेशन, बीकॉम में कुछ चार पांच ऐसे सब्जेक्ट्स जो बहुत ही चार पांच फील्ड है जहाँ पर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये कुछ पांच चीज है, काफी ज्यादा में लोग इस पर करते हैं। एंड अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने 11th 12th पढ़े हो, ठीक है, उसमें अगर आपको अकाउंट सब्जेक्ट, ये जो अकाउंट सब्जेक्ट था 11th 12th का, बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे समझ में आते हैं, बहुत पसंद है आपको, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप अकाउंट्स करो, बीकॉम में अकाउंटिंग करो, एंड उसके बाद आपकी कंपनी में अगर कोई भी अकाउंटिंग जॉब मिल सकती है। यस, बहुत ज्यादा इजी आपके लिए। अगर बीकॉम में 1 साल की आप डिग्री भी ले जाओ, 3 साल की डिग्री होने के बाद आप आराम से सीए कर सकते हो, एकदम फ्री होके, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं, बिकॉज इजी हो जाता है उसके बाद। इकोनॉमिक्स पसंद है, इकोनॉमिक्स कर सकते हो। अगर ओसी पसंद है, अगर 12th 11th 12th ओसी एकदम अच्छा लगा आपको, ओके, तो आप कॉमर्स बीकॉम इन मैनेजमेंट कर सकते हो, बीकॉम इन मार्केटिंग कर सकते हो। ओके, ये सब भी आपको एक से बढ़कर एक कंपनी में जॉब मिल सकती है, हाई लेवल, हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं मिलेगी। बीकॉम ऑन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रोफेशन मान जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीएस। काफी बच्चे सीएस करते हैं, सीएस वाले सीएस करना भी चाहते हैं एंड उसके बारे में जानना भी चाहते हैं, तो आपका फेवरेट टॉपिक आ चुका है दोस्तों सीएस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th पास होना है सीएस के लिए। जैसे आप 12th पास होते हो तो आपको सीएससीटी में, मीन जो आईसीएसई, ओके, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आप अपना सीए फाउंडेशन कोर्स में सीएस सीसेट की एग्जाम देनी पड़ती है। जब सीएससीट की एग्जाम हो जाएगी आपकी, उसके बाद ये क्लियर होने के बाद आपको सेकंड लेवल में इसका सीएस एग्जीक्यूटिव पार्ट दो, और मॉड्यूल 1 एक मॉड्यूल 2, ये दो जो होते हैं कोर्स, जो दो एग्जाम्स होते हैं, ये दो एग्जाम्स होने के बाद आपको देन आप आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक नया कोर्स मिल जाता है, वो होता है एक थर्ड लेवल का होता है आपका फाइनल कोर्स मिल गया सीएस प्रोफेशन। जब आप सीएस प्रोफेशन आप क्रैक कर लेते हो, एंड ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ तक एग्जीक्यूटिव लेवल जो होता है वो भी काफी डिफिकल्ट होता है,
लोगों को 5-6 साल लग जाते हैं उसको क्लियर करने में, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आप बहुत स्कॉलर लोग, आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, आप अच्छी पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो दिन रात, आप 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर दोगे दोस्तों। यस, एंड प्रोफेशनल को, प्रोफेशनल कोर्स भी नॉट मच डिफिकल्ट। ठीक है, आप अच्छा पढ़ रहे हो तभी आप थोड़े बड़े हो जाओगे, समझदारी आ जाएगी, ओके मीन्स तभी आपका माइंड लेवल और बढ़ जाता है, तो हमें उसी हम इजिली कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल होने के बाद आप एक प्रोफेशनल सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, ओके। एंड सीएस बनने के बाद आपको कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब, देन एचआर की जॉब, देन एक हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट की जॉब, ये सब जॉब आपको इजीली मिल सकती है दोस्तों, इजीली। यस, क्योंकि आपके पास सीएस की डिग्री है, ओके। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका एक और फेवरेट टॉपिक सीए के बारे में, मीन चार्टर्ड अकाउंटिंग के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में। अब इसमें क्या होता है, आपको 12th पास करनी पड़ती है, एंड 12th पास यहाँ पर ऐसा है कि सीए और सीएस में सबसे खास बात है कि आप जरूरी नहीं कि बंदा कॉमर्स का ही चाहिए, कॉमर्स साइंस आर्ट आप कहां से भी हो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, बस आओ ये वेबसाइट पर रजिस्टर करो, ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट की वेबसाइट होती है, ओके, तो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो कि इससे कौन सी वेबसाइट है, कैसे रजिस्टर करनी है, ओके। देन अब इसमें क्या होता है, 12th पास करने पर आपको सीए में रजिस्टर करना होता है, देन उसके बाद आपको एग्जाम देनी होती है सीए फाउंडेशन कोर्स करने के बाद, उसके एग्जाम क्रैक करने के बाद आपका सेकेंड लेवल आता है सीए इंटरमीडिएट आता है, सी इंटरमीडिएट की एग्जाम्स होती है, ओके। थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, वो क्लियर होने के बाद आपको 3 इयर्स का आर्टिकलशिप करना पड़ता है, ओके, मीन सीए अंदर से ये वर्क करना पड़ता है, सीए लाइक काम करना पड़ता है, ओके। वो आर्टिकलशिप होने के बाद आप सीए फाइनल करोगे, जब सीए फाइनल आपको हो जाएगा, मीन ये सीए फाइनल काफी डिफिकल्ट होता है, लोग एक एक दो दो मार्क्स के लिए पीछे रह जाते हैं, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, आप 5-6 बार ट्राई करो हो ही जाएगा सीए फाइनल, देन फाइनल आप सीए बन जाओगे, आप बहुत ही बड़े इंसान बन जाओगे, आपकी एक एक साइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा बिजनेस ग्रो कर सकती है, बिजनेस गिरा भी सकती है, एक साइन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। सीए ये सब कोर्स होता है, और ये सब कोर्स इन डिटेल जानने के लिए कमेंट सेक्शन करके बताओ कि सब मुझे इन डिटेल जानना है, तो उसके बाद हम इन डिटेल वीडियो बना के जान ही लेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ आता है जो आपको मे भी नहीं पता होगा, मे भी नहीं सुना रहेगा, फिर बहुत कम सुना रहेगा, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल लेवल का जॉब है, अगर आप अकाउंटिंग आपको बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर आपने बीकॉम हॉन्स की तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अकाउंटिंग किया है उसके बाद आप ये कर रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये, ओके। इसके अंदर कंपनी के अकाउंटिंग हाई प्रोफाइल जॉब मिल जाती है, अकाउंटिंग का सारा काम हमारा सीए जैसा काम हमारे हाथ में होता है। अब सीएम में क्या होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 12th पास करना होता है, नो डाउट आपकी कितने परसेंट 33, 35, 34, 30 बस आप पास हो जाओ, ओके। पास होने के बाद फाउंडेशन कोर्स एग्जाम होती है, फाउंडेशन एग्जाम हो जाती है, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटर एग्जाम देनी पड़ती है। इंटर एग्जाम में 2 ग्रुप हो जाते हैं, एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ये साल में 2 बार होती है, फिर एक ग्रुप 1 आप साथ में दे सकते हो, ग्रुप 2 अलग, या फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में भी दे सकते हो। ऐसा करने के बाद आपको एक इंटर्नशिप हो जाती है, 6 मंथ की इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद जैसे कि इंटर्नशिप मिल जाएगी कंपनी की तरफ से, कंपनी की मिलेगी या फिर वेबसाइट की तरफ से मिल जाएगी, एक इंटर्नशिप मिल जाएगी, वो इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आपको एक फाइनल एग्जाम देनी पड़ती है। फाइनल एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो उसके अंदर भी, जो भी फाइनल एग्जाम पर जैसे कि सर मैं साइन फाइनली तीन कोर्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि सीएस, सीए एंड सीएमए, ये तीनों की फाइनल एग्जाम होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसलिए ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। आपने इसमें क्लियर कर ही लिया तो आप इन तीनों फील्ड के लिए काफी ज्यादा प्रोफेशनल एंड हाई प्रोफाइल एंड लाखों के लाखों सैलरी आप कमा सकते हो, ना कि इंडिया ही कंपनी में नहीं, आप बाहर की कंपनी में भी जाकर अपना राज जमा सकते हो, यहाँ पर कंपनी में काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इतना, इसलिए कुछ डाउट लग रहा है आपको, कुछ नहीं समझ आया तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर फिर भी आपको कमेंट नहीं करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है मेरी, वहां पर आके मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये नहीं समझा, तो हम आपसे आराम से बात कर सकते हैं, फ्री होकर बात कर सकते हैं, ओके। तो बस आज के लिए इतना रहेगा, चैनल पर नया फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे टाइम अपडेट एंड एजुकेशन वीडियो एंड लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, ओके, थैंक यू।